जय हिंद साथियों, स्टूडेंट हेल्प में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो डेढ़ साथी बात करने वाला है यूपी जेल कांस्टेबल भर्ती 2020 के बारे में। साथियों, जैसे मैंने आप सभी लोग बताया था कि मैं जेल कांस्टेबल से रिलेटेड जितने भी कमेंट आप सभी लोग किए थे, सभी कमेंट्स का जवाब देने वाला हूँ। तो फाइनली साथियों, आप सभी कमेंट्स जवाब आज पिकअप करके लाए हूँ। साथियों, सभी कमेंट्स के जवाब देने वाला हूँ। तो इसमें साथियों मुख्यतः तीन बातें करने वाले हैं, फाइनल कटऑफ के बारे में और सभी कमेंट्स के बारे में, मतलब कि जितने आप लोग मुख्यतः कमेंट किए थे सभी कमेंट्स के बारे में बात करें। और साथियों लास्ट टाइम बात करेंगे आपका रिजल्ट कब आएगा, जो फाइनल रिजल्ट साथियों होगा वो आपका कब तक जारी किया जाएगा। तो चलिए साथियों, इन्हीं तीन मुख्य बिंदुओं पर बात कर लेते हैं। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाना जेल वार्डन कांस्टेबल की पल पल अपडेट पाने के लिए। तो साथियों सबसे पहले बात करते हैं कि सभी कमेंट पढ़ लेते हैं, जितने भी आप लोग कमेंट किए थे कि सर आप रिप्लाई नहीं देते। तो फाइनली साथियों मैं सभी कमेंट एक साथ इकट्ठा कर लिया हूँ, तो सभी कमेंट के साथ जवाब देने वाला हूँ। तो जो साथियों आज का पहला हमारा कमेंट रहेगा, जो कमेंट किए थे विनय ने, तो विनय से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि इसमें लिखेंगे सर 80 क्वेश्चन 19 की सेकेंड शिफ्ट चांस है, मतलब कि इन्होंने टोटल 80 क्वेश्चन शायद सही किए हैं। और ये साथियों अपनी SC से हैं, तो आप पूछ रहे हैं कि दौड़ लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो आपका साथियों लगभग 90% चांस है, अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चन आपने गलत नहीं किए होंगे तो आपको दौड़ लगाना निश्चित, क्योंकि आप SC कैटेगरी से आते हैं। तो विनय जी आपका कमेंट हो चुका है। तो यहाँ पर साथियों अंकुश यादव जी कमेंट किए हैं कि भाई 207 बन रहे हैं और UR कैटेगरी से कुछ चांस है। तो यहाँ पे अगर साथियों आपके 207 नंबर बन रहे हैं, तो काट पीट के अगर आपके 207 नंबर बन रहे हैं तो आपका यहाँ पे चांस है, अगर आप UR कैटेगरी से हैं। ठीक है, तो आपको रनिंग करने की मतलब की ज़रूरत है, आपको रनिंग करना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट कमेंट साथियों सभी कमेंट मैं जल्दी जल्दी पढ़ लेता हूँ। यहाँ पे भूपेंद्र कुमार, तो भूपेंद्र मौर्य सॉरी, यहाँ पे भाई मेरा 117 क्वेश्चन अटेम्प है, OBC से कैटेगरी के 35 गलत हैं, कोई चांस है फिजिकल की तैयारी करूं? तो 117 क्वेश्चन अटेम्प किए हैं आपने, 35 क्वेश्चन अगर आपके गलत हैं तो साथियों आपका माइनस मार्किंग में भूपेंद्र जी बहुत ज़्यादा चला जाएगा आपका क्वेश्चन। आप लोग अगर आपके में अगर साथियों आपका मतलब कि जो नॉर्मलेशन का फ़ायदा मिलता है, तब भी साथियों आप दौड़ लगाइए, क्योंकि दौड़ लगाइए क्योंकि आप लोग पता है कि UP पुलिस में साथियों 80, 70, 65 क्वेश्चन वालों का यहाँ पर सलेक्शन हुआ था। UP पुलिस में 65, 60 क्वेश्चन वालों को OBC में सलेक्शन हुआ था नॉर्मलाइजेशन की वजह से। तो आप दौड़ लगाइए, आप लोग दौड़ लगाने से पीछे मत हटना। तो पंकज पनवार जी कमेंट किए कि सर 86.25 क्वेश्चन बन रहे हैं नेगेटिव काट कर OBC से, तो इतने नंबर इतने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं तो आपका नेगेटिव काट के, तो ठीक है आपको मतलब कि दौड़ लगाना चाहिए, क्योंकि जो मेरिट लगेगी लगभग 80 पे लगने वाली OBC कैटेगरी की, तो आपको दौड़ लगाना चाहिए। तो नेक्स्ट स्लाइड में साथियों कमेंट देखते हैं। तो अगले स्लाइड में जो हमारे कमेंट है फिरोज अली, तो फिरोज अली भाई कमेंट किए हैं कि 163 आ रहे हैं 20 फर्स्ट, या 163 अगर आपके नंबर आ रहे हैं, तो यहाँ फिरोज भाई अगर आप OBC से होंगे तो यहाँ पे बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि साथ यहाँ पे आपकी जो मेरिट के हिसाब से नंबर नहीं बन रहे हैं। तो तब भी अगर आप सोचते हैं कि मेरा हो जाएगा तो आपको दौड़ लगाना चाहिए, क्योंकि 2018 और 2019 की वैकेंसी में UPP की वैकेंसी में देखिए आप 60 से 65 क्वेश्चन वालों को सिलेक्शन हुआ था नॉर्मलाइजेशन की वजह से। आप लोग अगर दिए होंगे एग्ज़ाम तो आप लोग पता होगा भाई 170 प्लस बन रहे हैं, 14 टेम है, 21 रॉन्ग है जनरल, तो 170 बन आपको तो दिक्कत हो जाएगी आपको जनरल कैटेगरी से। अगर आप OBC कैटेगरी से होते हैं तो आपको 100% यहाँ पे चांस रहता, तो आप दौड़ अगर लगाना है तो लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलता है तो ठीक है। तो नेक्स्ट कमेंट है कि क्वेरी कैसे डाला, तो मयंक आनंद जी मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आप चैनल पर जाएंगे वहाँ पर लिखा हुआ है क्वेरी कैसे लगाएं, तो वीडियो जाके आप देख लेना है, तो उसमें सही तरीके से बताया गया क्वेरी कैसे लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे है प्रतिमा तिवारी, तो सर एक सेकंड सर 85 सही है फीमेल जनरल, प्लीज़ बताएं फिजिकल करूं? तो अगर आप फीमेल से, क्योंकि फीमेल की कटअप बहुत कम लगने वाली है जनरल की, फीमेल SC ST, क्योंकि फीमेल की कटअप 10 नंबर या 5 नंबर कम ही लगती है मेल से, तो आपको दौड़ लगाना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट है आकाश मिश्रा, सर मैंने 112 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, मैंने जिसमें से 30 गलत है और 92 क्वेश्चन सही हैं, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? मैं जनरल कैटेगरी से हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपका माइनस लगभग 15 से 16 नंबर था, जो आपका यहाँ पे आपका आकाश मिश्रा जी यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि
तो यहाँ पे दौड़ अगर आपको दौड़ लगाना है, क्योंकि यहाँ पे आपके आपके 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर आपको यहाँ पे 20 नंबर का या 15 नंबर का नॉर्मलेशन का मार्क्स मिलता है, क्योंकि अगर आपके इधर से जो कटेगा नंबर उधर से आपका नॉर्मलेशन में ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो आपको दौड़ लगाना है, ठीक है। तो अगली स्लाइड में साथ ही देखते हैं अगली स्लाइड में क्या है। तो सभी कमेंट जल्दी देख लेता हूँ। यहाँ पे हैं प्रिया शर्मा 165 नंबर बैठ रहे हैं, ऑफिशियल आंसर की के से मैच करके जनरल में निगेटिव मार्किंग काट काट करके क्या मेरा नंबर आ सकता है? तो आप जनरल से हैं तो आपका तो मुश्किल है, क्योंकि 162 बैठ रहे हैं। क्योंकि अगर आपके में देखिए प्रिया मिश्रा जी, मैं आपको बता दूं 162 अगर आपके मतलब सारे नेगेटिव मार्किंग काट के बन रहे, आप जनरल कैटेगरी से फीमेल हैं, ठीक है, तो फीमेल हैं तो आपको अगर 15 नंबर का नॉमिनेशन मिलता है तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7, तो आपको दौड़ करने की ज़रूरत है। आपको दौड़ लगाइए और दौड़ में अच्छे मार्क ले। शिवानी जी कमेंट किए 164 आ रहे हैं OBC से, तो यहाँ पे तो आपका शिवानी जी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतनी कट आप नहीं गिरने वाली जितने आपके मार्के बन रहे हैं। तो अरविंद सोनकर जी कमेंट आफ्टर फिजिकल 2021 मार्च से SC कैटेगरी ओनली फॉर फायरमैन, 20 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट 108 अटेम्प्ट 70 राइट एंड 38 रॉन्ग, तो यहाँ पे तो आपका मतलब कि कोई चांस ही नहीं बना, क्योंकि आपने आधे क्वेश्चन रॉन्ग किए और आधे क्वेश्चन सही किए हैं, तो यहाँ पे तो आपका कोई चांस ही नहीं बनता है। तो मैं मतलब एकदम ऑफिशियली नहीं बता रहा हूँ साथी आपको, मतलब कि मैं गुमराह नहीं कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि दौड़ लगाना है तो आप दौड़ लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि नॉर्मलेशन में यहाँ पे 20 से 35 नंबर तक का फ़ायदा मिलता है, आपको दौड़ लगाना है तब भी साथ आप नॉर्मली दौड़ लगाते रहिए अगर आप मतलब सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो SC में 150 मार्क हैं, फिजिकल की तैयारी करूँ या नहीं? तो आपने कितने गलत किए हैं कितने सही किए हैं तो पहले बताइए, तब मैं आप बता सकता हूँ फाइनली आपको करना चाहिए दौड़ या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे सूरज सिंह पटेल जी कमेंट किए हैं 191 सही है, 13 गलत, OBC बहुत सही। यहाँ पे इनको दौड़ लगाने की 100% ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आपको मतलब कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन निश्चित है, मेरिट दौड़ के लिए यहाँ पे आपका सिलेक्शन निश्चित है, ठीक है। तो अगला कमेंट साथ देखते हैं, अगला कमेंट किए हैं मिस्टर गुलशन खेड़ी वाला, तो ये कमेंट किए 72.5 OBC 19 फर्स्ट शिफ्ट OBC, तो यहाँ पे 72 हैं, तो अगर आपने पूरा कितने क्वेश्चन गलत किए थे कितने सही किए हैं तो ये पहले बताइए, कितने क्वेश्चन आप गलत किए तब मैं बता सकता हूँ। यहाँ पे सत्येंद्र पाल जी कमेंट किए 155 नंबर हैं सर OBC, तो 155 नंबर अगर आपके आ रहे हैं पहले ये बताइए कि मतलब कितने क्वेश्चन आप गलत किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे अगला है अनिल वर्मा SI, सर मेरा 77 सही OBC से हूँ, मैं क्या कुछ चेंज हो सकता है, मतलब कि चांस हो सकता है? तो यहाँ पे साथियों आपका देखिए चांस है 50-50 है, क्योंकि अगर नॉर्मलेशन में अगर 15-20 नंबर का फ़ायदा में होता है तो यहाँ पे आपका चांस 100% है, आप दौड़ लगाना है तो लगा सकते हैं। स्पेस आइट्रेशन, तो सर प्लीज़ मेरा रिप्लाई देना प्लीज़ सर, मैंने जेल वार्डर का नहीं भरा था, ओनली फायरमैन OBC में हूँ, कोई कितनी बार खुद का सेफ समझ सकता हूँ? ये क्या मुझे समझ नहीं है आपका कमेंट, अगर आप दोबारा कमेंट करना चाहते हैं स्पेस जी तो आप करके बता दीजिए, मैं आपकी मुश्किल का हल निकाल दूंगा। भाई हमारा 75 क्वेश्चन राइट है निगेटिव काट के, लेकिन हमारे 30 क्वेश्चन रॉन्ग थे, अब काट के 75 बनने हैं, क्या हमारे नंबर आ जाएंगे प्लीज़ बताओ, रेस की तैयारी करें। तो आप OBC से हैं तो 100% आप तैयारी करिए, अगर आपको 15-20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन फ़ायदा मिलता है तो आप लोग तैयारी करिए। और रनिंग के बारे में तो ये सारे साथ कमेंट थे आज के, तो इतने कमेंट साथ पिकअप हो पाए, तो कुछ कमेंट साथ और हैं। तो यहाँ पे सर मेरा बताएं क्या ऐसे सही है, तो ये भी मतलब कि ज़्यादा साथ मैं बता दूँ अप्रोक्स, यहाँ पे अनुराग कटियार जी मैसेज किए हैं 127 में से मतलब कि 94 क्वेश्चन सही हैं, तो आपको दौड़ लगानी है। मेरा बताएं 91 प्रशांत गुप्ता जी किए हैं 91 सही है 15 गलत है, जनरल से हूँ तो आपको दौड़ लगाना चाहिए प्रशांत जी। तो यहाँ पे बस इतने ही कमेंट थे साथ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट थे, अगर आपकी कोई दिक्कत है कमेंट करके एक बार ज़रूर पूछ लेना दौड़ लगानी या नहीं लगानी है। 75 क्वेश्चन राइट है, 20 की सेकंड शिफ्ट है, तो 75 क्वेश्चन राइट है, तो आपको आपने कितने क्वेश्चन गलत किए और कितने अटेम्प्ट किए थे पहले ये बताइए, तब यहाँ पे मैं बता सकता हूँ। तो 150 नंबर कोई चांस है 19 सेकंड शिफ्ट है, तो यहाँ पे शिवम दुबे जी यहाँ पे मुश्किल है आपका, क्योंकि 150 मेरिट नहीं जाएगी। तो ये सारे सत्यों कमेंट थे जो मैंने, ये बाबा भौकाल जी कमेंट किए हैं
86 नंबर काट पीट के जनरल से हूँ, हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आपको 15-20 नंबर का नंबरेशन में मिलता है, मौका चांस मिलता है, लाभ मिलता है, तो आपको दौड़ लगाना चाहिए बाबा भोकाल जी। तो यहाँ पे सारे कमेंट्स तो पिक हो गए हैं। तो अगर था तो आपकी कोई क्वेरी है और कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट के बाद ज़रूर बता देना, जिससे मैं आपके सारे क्वेरी और सारे क्वेश्चन के हल बता सकूँ। तो चलिए साथ बात करते हैं फाइनल कट ऑफ के बारे में। आपकी जो फाइनल कट ऑफ रहेगी वो साथ कितने नंबर पे जा सकती है, देखिए साथ मैंने आपको फाइनल कट ऑफ के बारे में 2 वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा, वीडियो पर जाके देख लेना, चैनल पर जाके देख लेना जरूर से। जो साथ मैंने फाइनल कट ऑफ बताई OBC की बताई है, क्योंकि भी OBC से पूरा डेटा उठाया जाता है। तो OBC का साथ यहाँ पे 83 क्वेश्चन पे सिलेक्शन निश्चित है। सारे क्वेश्चन काट पीट के साथ अगर OBC के 83 क्वेश्चन सही आ रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग सारी काट के, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन यहाँ पे 100% आपको दौड़ लगानी है, 100% दौड़ लगानी है, ठीक है। तो जनरल के साथ इसी तरह कुछ नंबर बढ़ा दीजिए, 5 नंबर बढ़ा सकते हैं, 5 क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं। तो ये फिर साथ बात करते हैं आपके फाइनल रिजल्ट के बारे में, आपका फाइनल रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। तो अभी साथ अमर उजाला के पेज पे एक न्यूज़ दी गई थी जिसमें साथ बताया गया था कि हमारा फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। तो उसमें साथ ऑफिशियली तरीके से नहीं बताया गया, सिर्फ उसमें एक्सपेक्टेड बताया गया था कि जनवरी के पहले वीक में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। मतलब कि जनवरी के जो साथ जनवरी आने वाली 2021 की, तो उसके पहले वीक में आपका 2021 की जनवरी में पहले वीक में आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मतलब कि साथ 5 से 10 तारीख के बीच में, 5 से 10 तारीख के बीच में आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा और आपको रनिंग के लिए साथ आपके एडमिट कार्ड सारे जारी कर दिए जाएंगे। तो ये रिश्ते पूरी जानकारी, वीडियो कैसे लगे वीडियो लाइक करके, चैनल जिससे सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाना जेल कांस्टेबल की पल पल अपडेट पाने के लिए। जय हिंद।